सितंबर की सुबह सोनीपत के कुंडली थाने के सामने एक रोडवेज बस चालक की थार चालकों ने हत्या कर दी। रोडवेज मामले में हुई जगबीर की हत्या के बाद रोडवेज के कर्मचारी इस कदर नाराज हो गए थे कि प्रदेश भर में चक्का जाम कर दिया गया। हालात बिगड़ते देख खुद परिवहन मंत्री और सीएम मनोहर लाल ने पुलिस को मामले की जांच के आदेश दिए और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश भी दिए, जिसका नतीजा है कि पुलिस ने न सिर्फ इस थार को बरामद कर लिया है जिसमें सभी आरोपी सवार थे, बल्कि उस दौरान थार में मौजूद एक महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच बाकी आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। एक महिला को गिरफ्तार किया गया है दिल्ली से, कल रात को गिरफ्तार किया गया था, आज उसको माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। और जो गाड़ी थी जिसके द्वारा एक्सीडेंट किया गया था, ये जो घटना की गई थी, उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। अभी उसका मैकेनिकल मुलायजा कराया जाएगा और आगे की तफ्तीश आगे बढ़ा करके जो बाकी आरोपी हैं उसको भी हमारी टीम्स लगी हुई हैं, कोशिश करके हम बहुत जल्दी इनको भी गिरफ्तार करेंगे। सर, कुछ कारण पता चला इसने, कुछ प्राथमिक जांच में कुछ बताया? सर देखिए, अभी पूछताछ चल रही है, कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है और उसमें जो बाकी आरोपी भी गिरफ्तार होंगे तो थोड़ी सफाई उसके बाद हम क्लियरली बता पाएंगे इसके बारे में। पुलिस ने थार कार और एक महिला आरोपी को दिल्ली से धर दबोचा। आरोपी का नाम मोनिका है। पुलिस ने मोनिका का सिविल अस्पताल में पहले मेडिकल कराया और फिर उसे कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से उसे रिमांड पर लेकर बाकी साथियों के बारे में और उस दिन की घटना को लेकर पूछताछ की जाएगी। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस बाकी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।